हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आओ कंप्यूटर सीखी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फोर्थ लेक्चर और उसमें हम देखेंगे आज पेज लेआउट टूल्स के सारे ऑप्शंस हम आज देख लेंगे। तो पेज लेआउट में हम क्या क्या देखेंगे, पेज लेआउट में हम देखेंगे कि कॉलम्स कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम वो किस तरह से करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पेज में वाटरमार्क कैसे सेट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पेज बॉर्डर्स हम कैसे दे सकते हैं। बेसिकली पेज लेआउट ये एक डिज़ाइनिंग का पार्ट है जहाँ पर हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी भी डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज बना सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश कर सकते हो। किसी भी अगर प्रेजेंटेशन देना है आपको ऑफिस में और डॉक्यूमेंट्स का आपको फ्रंट पेज बनाना है, डिज़ाइनिंग करनी है, या फिर अंदर भी बहुत सारे ग्राफिक्स डालने हैं जैसे कि टेबल्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, चार्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम डिज़ाइनिंग के पार्ट में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन से, एक पेज लेआउट और एक इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन से हम चार्ट, टेबल्स और पिक्चर्स हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं और पेज लेआउट में हम उसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट खूबसूरत दिखे। तो आज हम सिर्फ पेज लेआउट पे फोकस करेंगे, उसके जितने भी ऑप्शन हैं हम वो सारी बारी बारी से देख लेंगे। तो लेक्चर पूरा देखना ताकि आपको पेज लेआउट का सारा ऑप्शन परफेक्टली यूज़ करने आए और आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली बना सको। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं पेज लेआउट कैसे, पेज लेआउट के ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं हमारे विंडोज पे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर पेज लेआउट, करेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी मार्जिन, पेज सेटअप्स क्या होता है वो बता दिया था। यहाँ पर देखिए रेडीमेड मार्जिन दिया है, अगर आपको टॉप लेफ्ट बॉटम राइट 1 इंच छोड़ना है तो आप कर सकते हो। नॉर्मल 1:1 होता है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको उससे कम करना है 0.5, तो ये सब रेडीमेड कस्टमाइज दिया हुआ है, आपको जो भी कुछ चाहिए वो कर सकते हो। और अगर आपको अपने हिसाब से मार्जिन छोड़ना है तो नीचे एक ऑप्शन है कस्टम मार्जिन, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से, ये मैंने आपको बताया था, मार्जिन हम यहाँ से छोड़ सकते हैं। लैंडस्केप पोर्ट्रेट भी आपने देख लिया है। अगर जिस किसी ने भी मेरे माइक्रोसॉफ्ट के पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज देख लो ताकि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट आए और आप या ऑफिस में या प्रोजेक्ट बनाने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए आप आराम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सको। उसके बाद पेज लेआउट में है ओरिएंटेशन, आपको मैंने बताया था लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। और यहाँ पर उसके बाद है ये पेपर साइज, तो अलग अलग टाइप के पेपर साइज होते हैं, लेटर्स, लीगल, एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पर सारे पेपर्स के साइज दिए हुए हैं। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स किस साइज में प्रिंट आउट करना है आप वो पेपर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद है कॉलम्स जो हम आज देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लास शुरू होने के टाइम पे बताया था कि हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें दो पार्ट हो गए। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखा है, देखिए राइट। अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया हुआ है लोगों ने, ये है हेडर एंड फुटर, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हेडर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। हेडर फुटर कैसे इंसर्ट करना है उसका भी लेक्चर नंबर 2, क्लास नंबर 2 है, वो भी देख लेना ताकि आपको हेडर एंड फुटर ईजीली डालने आ सके। उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट का हेडिंग दिया है, उसके बाद एक पैराग्राफ पूरा लिखा है और उसके नीचे उसने यहाँ पर दो कॉलम्स बनाया है, ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। कॉलम मतलब एक पेज को दो हिस्से में डिवाइड करना। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो, मैं आपको अगर न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ यहाँ पर, अब न्यूज़पेपर में देखिए ये एक पूरा एक पेज है, राइट, करेक्ट। और इसका एक पोर्शन क्या है, ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन हो गया और ये दूसरा पोर्शन है। तो ये क्या है, एक, ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, यानी कि एक पेज पे अगर आपको दो कॉलम्स बनाने हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे। जिस तरह से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये नंबर 1 कॉलम है, ये जो कॉलम दिख रहा है ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। प्लेन पेपर हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी प्लेन पेपर है, अभी हमें कुछ आर्टिकल्स लिखना है तो यहाँ पर हम जाएंगे। अब 1 क्या है, 1 मतलब, तो यहाँ पर देखिए हम अगर कुछ टाइप करते हैं, सपोज टू यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं तो ये सिंगल एक कॉलम में आ जाता है। लेकिन अगर हमें दो कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और 2 कर देंगे। देखिए अब क्या हो गया, ये पोर्शन देखिए, ये जो रूलर का एरिया, ये वाइट एरिया है, ये एक कॉलम है और ये रूलर का जो सेकंड एरिया है ये सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में जाने के लिए यहाँ पर कॉलम में अगर हमें टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक है, कॉलम ब्रेक में जाएंगे, ये क्या हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, देख रहे, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है।
तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। इसका हम पेज कलर चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ से हम पेज कलर, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। अगर आपको अभी हमें तीसरा भी कॉलम चाहिए तो हम यहाँ से तीन कॉलम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आ गया तीसरा कॉलम, देखिए ये एक कॉलम पर एडजस्ट हो गया, ये सेकंड कॉलम पर एडजस्ट हो गया और ये थर्ड कॉलम है। थर्ड कॉलम पर जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टेक्स्ट के लास्ट इस पर कर्सर रखेंगे और ब्रेक पे जाएंगे और यह वाला ऑप्शन है नेक्स्ट कॉलम, ये थर्ड हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे कॉलम्स बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पेज है वो दो पेज पे डिवाइडेड है, ये एक कॉलम हो गया, देखिए ये कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। समझ रहे हैं आपको, इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर एक उसने क्या किया है, चार्ट इंसर्ट किया। चार्ट इंसर्ट कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे, इंसर्ट ऑप्शन में है चार्ट, ये देखिए चार्ट। चार्ट का एक मैं पूरा आपको लेक्चर बताऊंगा, उसमें हम लोग कर सकते हैं। हम सिर्फ आज पेज लेआउट देख रहे हैं जिसमें हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स और ये ब्रेक्स देखेंगे और ये सब वाटरमार्क, पेज कलर, ये सब देख लेंगे और पेज बॉर्डर। तो आज पेज लेआउट के सारे ऑप्शंस हम देख लेंगे। उसके बाद क्या है, आपको अगर पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए भी यहाँ पर हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर्स में जाके हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी हम इंसर्ट ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, तो मेन चीज हमारा क्या था यहाँ पर, पेज लेआउट में कॉलम्स। तो इस तरह से हम कॉलम बना सकते हैं। मार्जिन आपको समझ में आ गया, ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया, पेपर साइज में आपको वीडियो में बताऊंगा कौन से पेपर की कौन से साइज होती है। हम लोग नॉर्मली जो हमें पेपर मिलता है जो हम जेरोक्स वगैरह करते हैं वो कौन सा होता है, A4 साइज। कौन सा साइज होता है, A4। जेरोक्स के लिए या प्रिंट आउट के लिए वो सारे A4 साइज के पेपर होते हैं, उसमें हम हमारे रोजमर्रा के प्रिंट आउट या डॉक्यूमेंटेशन के प्रिंट हम लेते हैं। ठीक, उसके बाद आपको मैंने कॉलम बता दिया यहाँ पर है। अभी इसमें एक और ऑप्शन है, कॉलम लेफ्ट एंड कॉलम राइट, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ टू कॉलम्स लेंगे अभी, ओके दो कॉलम्स ले लिए। ओके, तो कॉलम अगर राइट लेंगे लेफ्ट लेंगे तो क्या होगा, जो लेफ्ट कलर का कॉलम होगा वो छोटा होगा और जो राइट कलर का कॉलम होगा वो बड़ा कॉलम की साइज होगी। ठीक है, राइट लेंगे तो क्या होगा, उसका उल्टा, लेफ्ट टाइप का होगा वो बड़ा होगा और जो राइट का होगा वो छोटा होगा। आप ये रूलर पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि सपोज आपको थोड़ा इसको छोटा कर देना है तो यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, देखिए और तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। मोर कॉलम्स, अब ये देख लेते हैं मोर कॉलम्स। जैसे हम मोर कॉलम्स में जाएंगे तो यहाँ पर वन कॉलम, टू कॉलम्स, थ्री कॉलम्स, लेफ्ट एंड राइट, ये पांच ऑप्शन तो है ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत मार्जिन भी दिया हुआ है। पहले कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, 3, दूसरे कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, वो हो जाएगी, यानी कि ये कॉलम की विड्थ और ये कॉलम की विड्थ सेम होगी। स्पेसिंग मतलब ये दो कॉलम के बीच की जो स्पेसिंग है वो अगर आपको बढ़ाना है तो देखिए दिख रहा है ये दोनों कॉलम के बीच की स्पेसिंग बढ़ गई, तो आप इस तरह से स्पेसिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। नॉर्मली हम स्टैंडर्ड 5 इंच ही रखेंगे। ओके, इक्वल कॉलम ये निकाल दोगे तो आप सेकंड कॉलम का भी मार्जिन एंड स्पेसिंग चेक कर सकते, तो इस तरह से हम कॉलम्स का यूज कर सकते। उसके बाद है ब्रेक। अब ब्रेक क्या होता है, अभी यहाँ पर लिखा है मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर हमारा पेज खत्म हो रहा है वहां पर हमारा कर्सर लाएंगे और उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे आपको क्या मिलेगा, एक नया पेज यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये नए पेज, अभी एक बार हमेशा याद रखना, सपोज टू जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखा है ABCDEFG whatever, ओके दिस इज पेज नंबर वन। ओके, तो जैसे कि अभी ये लिखा, अभी सपोज टू आपको ये जो इतना जो टेक्स्ट है ये फर्स्ट पेज पे चाहिए और इसके बाद वाला टेक्स्ट मुझे नेक्स्ट नए पेज पे चाहिए, तो हम कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे। जो भी टेक्स्ट को आपको अगर नेक्स्ट वहाँ से नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर करना है आप क्या करोगे, अभी मैं आपको इसका कॉलम जीरो कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास पेज कितने, 1 of 1, यहाँ से आपको बताया 1 of 1 हम चेक कर सकते हैं पेज नंबर हमारे कितने, ये हमने कहाँ पर देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो ये हमारा पेज है। अभी सपोज टू मुझे ये जो लाइन है नीचे की, हमने इसको कलर कर दिया था समझिए, ये जो लाइन है मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए, हमारे पास सेकंड पेज नहीं है, हमें सेकंड पेज पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कर्सर उसके आगे रखेंगे, यानी जितनी भी लाइन आपको नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करनी है उसके आगे कर्सर रखेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये सेकंड पेज पे आ गया, ये फर्स्ट पेज पे है और ये हमारा हो गया पेज नंबर 2। ओके, और ये हमारा है पेज नंबर 1। ठीक, तो इस तरह से हम पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 ब्रेक्स से अंदर नया नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। जितने भी पेज आप इंसर्ट करोगे
हमारे पास उतने पेज यहाँ पर आते जाएंगे। अब हमने टोटल 4 पेज डाल दिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं लाइट कॉर्नर को। ओके, तो यहाँ पर दो चीज बहुत जरूरी है, पेज एंड कॉलम। उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कॉलम ब्रेक, ये कॉलम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है यहाँ पर। तो कॉलम आपको इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाटरमार्क। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा होगा कि बीच में एक वाटर मार्क होता है। वाटर मार्क मतलब ये हमारे सभी 5-3 पेज। अभी मुझे सपोज ये तीनों पेज पे आओ कंप्यूटर सीखे ऐसा एक वाटर मार्क चाहिए सेंटर में, तो उस टाइम पे हम यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखे ना कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी। तो यहाँ से हम देखें आ गया कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल नहीं। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं या फिर डू नॉट कॉपी, तो यहाँ से हम वाटरमार्क लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद का वर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, कस्टम कस्टम वाटरमार्क क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे आओ कंप्यूटर सीखें। ओके, देखिए आओ कंप्यूटर सीखे, आओ कंप्यूटर सीखे, आओ कंप्यूटर सीखे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज पे हम हमारा वाटरमार्क ला सकते हैं। वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वाटरमार्क का कलर भी है, अगर आपको कोई कलर देना है कलर रेड कर दे, देखिए रेड हो गया। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, वाटरमार्क कभी भी एकदम लाइट होना चाहिए ताकि वो नेचुरल लगे। ओके, देखिए ये कलर अच्छा लग रहा है, येलो पे लाइट ग्रीन ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वाटरमार्क निकाल देना है तो यहाँ पर नीचे जाए रिमूव वाटरमार्क, वाटरमार्क निकल जाएगा, सही। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कलर पिक्चर। मैंने आपको बताया पिक्चर को अगर आपको कलर देना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर का पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, राइट। नॉर्मली हम लोग वाइट पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पोस्ट कार्ड बनाना है या कोई डिज़ाइन बनाना है या फिर कोई पोस्टर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से अपना कलर चॉइस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए हुए हैं तो आप बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इफ़ेक्ट्स भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप इफेक्ट क्लिक करोगे तो देखिए डबल कलर। जैसे कि अगर आप कोई पोस्ट कार्ड बना रहे हो या फिर कोई डिज़ाइनिंग चीज़ बना रहे हो, डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज बना रहे हो, तो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कलर आप चेंज कर सकते हो, देखिए, और ये आप डार्क या लाइट भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। टू कलर्स चाहिए तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ कलर यूज़ कर सकते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज बनाने के लिए यहाँ से आप सारी इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ये। उसके बाद है पेज बॉर्डर। अभी सपोज तो आपको बॉर्डर चाहिए, यहाँ पर हार्ट चाहिए या कुछ अलग सा बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से आप बॉर्डर्स ले सकते हैं। और सपोज तो अगर आपको बॉक्स चाहिए तो यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो क्या होगा, देखिए चारों तरफ से हमारे पास लाइन में एक पूरा बॉक्स आ गया। तो इस हिसाब से यहाँ से हम डॉटेड लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन ले सकते हैं, देखिए डॉटेड लाइन आ गया। पेज बॉर्डर में बहुत सारे ऑप्शन है, शेडो है, ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर थोड़ा सा शेडो दिख रहा है। तो आप इस तरह से पूरा स्टाइल बना सकते हो, आपको 3D चाहिए, डबल लाइनिंग चाहिए, देखिए डबल लाइन। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हो, आप पेज बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए बहुत सारा पेज बॉर्डर से, तो आप कोई भी बॉर्डर्स यहाँ से ले सकते हो, करेक्ट। इसकी स्पेसिंग भी दिया हुआ है, आप ये एक एक करके सब देख लीजिए। अभी यहाँ पर देखिए बॉर्डर्स में एक और ऑप्शन है, आर्ट दिया हुआ है, अगर आपको आसपास कोई आर्ट देना है, हार्ट दे देना है, तो देखिए यहाँ पर हार्ट आ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पेज को बॉर्डर्स दे सकते हो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा मार्जिन, जो हमने पेज सेटअप में पहले से देख लिया है पेज सेटअप कैसे करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखे हमने ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। उसके बाद हमने देखा पेपर साइज, नॉर्मली हम A4 यूज करते हैं, यहाँ पर A4 यूज करके रखें। उसके बाद हमने देखा कॉलम्स, हम कॉलम इंसर्ट कर सकते। फिर आपने देखा ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, नया पेज इंसर्ट करने के लिए आप ब्रेक का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए, नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप कॉलम ब्रेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाटरमार्क, हमें वाटरमार्क चाहिए तो हम यहाँ से वाटरमार्क ले सकते हैं। उसके बाद पेज कलर, मैंने आपको पेज कलर बताया, जो भी कलर आपको शूट करता है आप वो कलर यहाँ से चॉइस कर सकते हो। और उसके बाद बॉर्डर्स, हम अलग अलग टाइप से बॉर्डर्स यहाँ पर दे सकते हैं, जो भी आपको बॉर्डर्स चाहिए वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, आप ये सारे ऑप्शंस प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरह से आए और आप एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड बना सकते हो। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो, डिजाइनिंग बना सकते हो, बुक्स का फ्रंट पेज बना सकते हो, हर एक चीज बना सकते हो।